हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी को, स्पेशली जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं, उन सबको जो है अ वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग परमानेंट प्लांट लेके आई हूँ, जिसे आप अपनी बालकनीज में, पॉट्स में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तो कहूँगी कि ये पॉट्स में ग्रो करने के लिए एक बहुत ही आइडियल फ्लावरिंग प्लांट है, अगर आप खुशबूदार फूलों को लगाने के शौकीन हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मिनी कामिनी, या आप इसे जो है ड्वार्फ मधुकामिनी के नाम से भी जानते होंगे। ये हमारा जो मधुकामिनी का प्लांट है, उसका मिनी वर्जन है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि ये पॉट्स में लगाने के लिए एक बहुत ही आइडियल प्लांट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका शेप किस तरह है। इनकी लीव्स देखिए कितनी छोटी छोटी हैं, और फूल भी देखिए इसी तरह छोटे छोटे निकलते हैं इसमें, और ये बिल्कुल एक ऐसा मिनी ट्री के जैसा दिखाई देता है ये देखिए। तो आप इसे एज अ बॉन्साई भी बहुत आसानी से जो है पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, और जब इनमें फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स, तो देखते ही बनता है ये प्लांट। अभी देखिए बहुत सारे फूल जो है इनमें खत्म हो गए हैं, थोड़े टाइम बाद दोबारा से इसमें फ्लावरिंग होगी, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मौसम्बी या नींबू के जैसे फूल होते हैं ना सफेद, बिल्कुल उसी तरह इनके फ्लावर्स होते हैं, और खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही आती है मौसम्बी की जैसे, ऑरेंज के जैसे। इस वजह से जो है इसे मॉक ऑरेंज भी कहा जाता है, या ऑरेंज जास्मिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जब इनके, आप जरा सा इस पौधे को अगर हिला भी दें पॉट से, तो ये जो फूलों की पंखुड़ियां हैं ये पूरी नीचे जो है गिरने लग जाती हैं, और ऐसा लगता है नीचे जैसे किसी ने सफेद चादर सी बिछा दी हो। बहुत खूबसूरत लगता है जब ये पौधा जो है ना फ्रेंड्स फूलों से भरा होता है, आपकी बगिया जो है पूरी खुशबू से महक उठती है। तो चलिए अब इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक पेरिनियल यानी परमानेंट प्लांट है, आप इसको जो है एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे तो सालों साल आपके ये गार्डन में बना रहेगा। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है ये फ्रॉम स्प्रिंग यानी फरवरी से लेकर नवंबर तक ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, फ्लावरिंग करता है। विंटर्स में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, थोड़ी सी ग्रोथ जो है इसकी रुक जाती है, वरना तो इसमें बहुत अच्छे से जो है फ्लावरिंग होती ही रहती है। देखिए इस तरह के जो है गुच्छों में सफेद कलर के फूल आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसको अच्छे फ्लावर करने के लिए है वो है सनलाइट, यानी इसको अच्छी सनलाइट मिलनी चाहिए। जितनी ज्यादा धूप इसको मिलेगी सारे दिन की, उतने अच्छे से जो है आपका प्लांट फ्लावरिंग करेगा। कम धूप में भी ये प्लांट ग्रो होता है, लेकिन तब इसमें फ्लावरिंग उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी ये फुल सन के नीचे फ्लावर करता है फ्रेंड्स। और ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको आप एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे तो ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और बहुत आराम से ये यूं ही ग्रो होता रहेगा आपके यहाँ। तो जब भी आप किसी भी प्लांट को पॉट्स में लगा रहे होते हैं, तो वेल्ड्रिन पॉटिंग सॉइल में ही आपने उसे लगाना है, तो इसको भी आपने वेल्ड्रिन पॉटिंग सॉइल ही देना है। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा कोकोपीट आप इसकी पॉटिंग सॉइल में जरूर ऐड करें, सैंड, गार्डन सॉइल, कंपोस्ट के साथ, क्योंकि इसको जो है सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चर रहना पसंद भी आता है। थोड़ा सा अगर पानी अगर इसकी सॉइल में रहेगा तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। वैसे तो ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट भी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहे, ग्रीन दिखे और फ्लावर से यानी फूलों से भरा रहे, तो आप थोड़ा सा कोकोपीट जरूर ऐड करके देखिए, और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इसको अगर मैं फीड करने की बात करूं, तो आप स्प्रिंग में इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, एक बार साल में दो बार आप इसको फर्टिलाइज करेंगे, इसके लिए काफी रहता है। और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, नहीं सॉरी, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर आपने इसको देना है, अगर आप इसकी अच्छी फ्लावरिंग देखना चाहते हैं। तो बनाना पील फर्टिलाइजर, कॉम्पोस्टी जो हम बनाते हैं, या वर्मी कम्पोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, इस तरह का कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जो आप आराम से अपने किचन से तैयार कर सकते हैं, उस तरह का फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट को दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं फ्रेंड्स। इनको एज सच कोई केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है।
और पेस्ट तो इसमें इतने ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि इनमें जो खुशबू आती है वो एज अ रेपेलेंट एक्ट करते हैं पेस्ट के लिए। लेकिन अगर कभी आपको अपने प्लांट पे कोई पेस्ट अटैक दिख जाए मेली बग्स का या एफिड्स का, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या माइल्ड सोप सॉल्यूशन से भी पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी प्रोपगेशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आसानी से जो है स्टेम कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, और मॉनसूनस का महीना यानी बरसात के महीने में बहुत आसानी से जो है आप इनको स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। स्टेम कटिंग्स आपने जो है इनकी अच्छी मेच्योर स्टेम कटिंग्स लेनी है जो सेमी हार्ड होती हैं, आप ये सामने देख रहे हैं इस तरह की, पेंसिल की मोटाई है उससे थोड़ी कम भी चल जाएंगी, तो उस तरह की आप स्टेम कटिंग्स ले लीजिए और सॉइल में लगा दीजिए बरसात के महीने में, तो ये बहुत जल्दी से जो है जड़ पकड़ लेती हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, और सच मानिए फ्रेंड्स, जब ये फूलों से भरा होता है, कुछ दिनों पहले ये फूलों से भरा हुआ था पौधा और इतनी अच्छी खुशबू आती थी, जैसे ही मैं अपनी बालकनी में पैर रखती थी इतना अच्छा लगता था कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं इनके, और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट भी लगता है। ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है, ये ड्वार्फ मधुकामिनी या मिनी कामिनी का प्लांट। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।